ग्रामीणों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव कर दिया। पुलिस और निगम की टीम कोरोना गाइडलाइन के चलते सब्जी विक्रेताओं की भीड़ को हटाने गई थी, जिसके विरोध में भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए और पथराव शुरू कर दिया। सिंगरौली जिले में ग्रामीणों और पुलिस वालों के बीच आए दिन झड़प की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक और घटना सामने आई है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के हिरवाहा गांव का है। टोटल लॉकडाउन में भी कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन करके ग्रामीण सब्जी बेच रहे थे। कुछ ग्रामीणों पर जब पुलिस वालों ने नगर निगम की टीम के साथ सख्ती दिखानी शुरू की, तो ग्रामीणों ने नगर निगम की टीम के साथ पहुंची पुलिस और पुलिस के वाहनों पर पथराव करना शुरू कर दिया। भारी संख्या में ग्रामीणों को पथराव करता देख पुलिस ने वहां से निकल जाना ही ठीक समझा। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस आरक्षक द्वारा एक महिला के साथ मारपीट की गई थी, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया था। इस पथराव में बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, महिला सभी शामिल थे और वे सब पुलिस व नगर निगम की गलत तरह से की जा रही कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। इसके बाद पुलिस वाले मारे भी लोगों को। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने घटना स्थल जाकर मामले की जानकारी ली और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो वहीं कोतवाली पुलिस ने भी कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको मालूम है लॉकडाउन प्रचलन है और हिरवा में सूचना मिल रही थी लगातार नगर निगम को भी और हमको भी कि वहाँ पर बहुत सारे लोग सब्जी दुकानें लगा रहे हैं और बहुत आयत भी लगा रहे हैं और वहाँ पर बहुत अधिक भीड़ हो रही है। इस संबंध में आज नगर निगम की टीम द्वारा उनको पूर्व में समझाइश दी गई, आज भी समझाइश दी गई, लेकिन उसके बावजूद नहीं मान रहे थे। तो कुछ सब्जियाँ कुछ लोग वापस कर गए, समझाइश से समझ गए, लेकिन कुछ लोग सब्जी गाड़ी में डालकर जाने लगे। उसी वक्त जब गाड़ी निकलने लगे तो उस वक्त उनके द्वारा कुछ लोगों द्वारा पथराव कर दिया गया। संबंध में तत्काल सूचना मिलने पर CSP साहब, मैं, दो TI प्रभारी जो हमारे थाना बेरन और थाना मीनाकर के पहुँचे और वहाँ पर स्थिति नियंत्रण की और उसके बाद फिर उनको शिनाख्त की गई है और उनके नाम जिन्होंने कार्य किया है उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया। इस घटना के बाद कांग्रेस के युवा नेता प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि घटना निंदनीय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन को जनता के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पूर्व ही भाजपा के धरना प्रदर्शन पर प्रशासन ने कुछ कार्रवाई नहीं की थी, शायद इसीलिए ऐसी घटनाएं उसकी प्रतिक्रिया हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी चल रही है, इस समय सभी को पुलिस और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। आज सिंगरौली जिले के हिरवाह गाँव में सब्जी व्यापारी, ग्रामीण एवं पुलिस के बीच जो झड़प हुई है वह अत्यंत निंदनीय एवं शर्मसार कर देने वाली घटना है। मेरे द्वारा पूर्व में ही न्यूज़ के माध्यम से पुलिस प्रशासन से आग्रह किया गया था कि वर्तमान में कई दिनों से जो लॉकडाउन लगा है, जो स्थितियां ज़िले में निर्मित है उसको देखते हुए अगर कोई घर से निकल रहा है तो जनता जनार्दन के साथ नरमी से पेश आने की आवश्यकता है। मानवीय मूल्यों को ध्यान में रख करके पेश आने की आवश्यकता है, सख्ती की आवश्यकता नहीं है। और इस घटना जो घटनाक्रम आज हुआ उसके लिए मैं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोषी मैं मानता हूँ, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं को दोषी मानता हूँ जिन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में धरना प्रदर्शन जैसे तमाशे किए और जनता में एक भ्रामक संदेश की उत्पत्ति हुई कि पुलिस प्रशासन द्वारा इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि जनता अपनी सब्जी बेचने जब घरों से निकल रही है या खाद्य सामग्री लेने के लिए निकल रही है तो पुलिस द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।